बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरी डॉक्टर पॉल क्लिनिक आपके बालों और त्वचा की समस्या के लिए सबसे अच्छा समाधान प्रदान करता है। हेयर ट्रांसप्लांट, बालों का झड़ना और त्वचा की समस्याओं का बेहतर इलाज कराना चाहते हैं तो चले आइए डॉक्टर पॉल क्लिनिक। पता है फर्स्ट फ्लोर फजल इमाम कॉम्प्लेक्स नियर पटना सेंट्रल मॉल। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। बड़हरिया पथराव आगजनी के मामले में 11 को मिली जमानत, दोनों पक्षों में 20 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। बड़हरिया थाना मुख्यालय के बड़हरिया पुरानी बाजार के पश्चिम टोला में बीती 7 सितंबर की देर शाम में हरदिया महावीरी मेला में बड़हरिया गांव का अखाड़ा ले जाने के क्रम में हुए पथराव आगजनी की घटना हुई थी। बतौर मजिस्ट्रेट शामिल कनीय अभियंता प्रेमचंद के आवेदन पर पुलिस ने साधारण दंगा एक्ट के तहत दोनों पक्षों के 32 उपद्रवियों को नामजद किया गया था। पुलिस प्रशासन ने सक्रियता बरतते हुए दोनों पक्षों के 10-10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताते चलें कि AGGM 3 अरुण तिवारी की अदालत में जेल में बंद 11 अभियुक्तों ने अपने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन दाखिल किया था। कोर्ट में वरीय अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी व रजनी रंजन तिवारी ने अपना अपना पक्ष रखा। वहीं अभियोजन की तरफ से APO दीपक कुमार चौधरी ने जमानत आवेदन का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद जेल में बंद शबीर अहमद, मुनीर अहमद, काशमिया मोहम्मद यासीन, धनंजय कुमार, कन्हैया कुमार, अनिल कुमार, दिलीप कुमार, विशाल कुमार व बिहारी कुमार को जमानत दे दिया है। बाकी अन्य अभियुक्तों का जमानत आवेदन अभी न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है, जिसकी सुनवाई नहीं हुई है। न्यूज़ इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।